खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल लेह में हूँ, जहाँ टेम्परेचर -20 है और हमारी पहली परीक्षा यहीं से शुरू हो गई है। लेह से हम आगे निकल चुके हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर महसूस कर पा रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नजारा है। एक, दो, तीन, और आपने फतह हासिल कर ली। ऑलराइट, जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। फिलहाल लेह में हूं, जहां टेम्परेचर -20 है और हमारी पहली परीक्षा यहीं से शुरू हो गई है। आवाज नहीं निकल पा रही है, अभी भी कपकपी छूट रही है और जहां जाना है वहां टेम्परेचर -50 होता है। इसीलिए आपको ये हमारी पूरी की पूरी यात्रा हर पल इस बात की याद दिलाएगी कि वो शूरवीर इस वतन के लिए क्या कर गुजरते हैं। हम इस वक्त ससोमा में जो आर्मी का कैंप है वहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पर हमने रात बिताई थी। अभी टेम्परेचर -25 के आसपास है और ये पहली झलक है सियाचिन ग्लेशियर की, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये आपकी आंखों को भा जाने वाला नज़ारा है। और ख़ासकर इसलिए क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद ये देखना दिल को सुकून देता है। और अभी बकायदा यहाँ एक माइलस्टोन था जिस पे लिखा हुआ था फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो अब हम बहुत ही नज़दीक है उस बेस कैंप पर, और उस बेस कैंप के जहाँ से हम उन योद्धाओं की हर एक योजना को, उनके अभ्यास को, उनकी मेहनत को विटनेस कर पाएंगे। वहां ऊपर 22,000 फीट की ऊंचाई पर, उस चोटी पर देश की रक्षा करने के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ता है और उसके लिए तैयारियां क्या होती है, आज एबीपी न्यूज पर आप यही देखने वाले हैं। तो हमारा सफर उसका सबसे अहम पड़ाव यही है इस वक्त, हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नज़ारा है जब आप देखते हैं कि कैसे उन विषम परिस्थितियों को आप किसी न किसी तरीके से टालते हुए पहुंच जाते हैं इस दर पर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से हार्डेस्ट फॉल, जिसे कहते हैं सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके लिए हमारे सैनिक तैयार होते हैं, सफेद जाबाज हमारे तैयार होते हैं। तो अब हम सियाचिन बेस कैंप पर आ चुके हैं। हमें यहाँ से आगे जाना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ शर्त है जिनको हमें पूरा करना है। और पहली शर्त ये है कि आप पूरी तरीके से वेल ड्रेस्ड हैं। वहाँ के हालात
आपको परेशान ना कर सके उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होती है, और वो पहली तैयारी ये है कि आप वेल ड्रेस्ड हों, यहाँ के मुताबिक आपके कपड़े हों। तो मैं आपको बता देती हूँ हमारी क्या तैयारियाँ। ये जूते जैसे हम ख़रीद कर लाए थे, हमें लगा था कि ये जूते चल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। फौज की तरफ से हमें ये स्कार्पा दिए गए हैं, हम ये स्कार्पा पहनेंगे। इसमें तीन लेयर हैं और ये आपके फुट को, आपके पंजों को जो है वो इंसुलेटेड रखेगा, बर्फ़ की जो ठंडक है वो आपको नहीं छू पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। सो जैसा मैंने आपको कहा, तीन लेयर होती हैं और इसकी ग्रिप भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये देखिए आप, ये जो है इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है, सो यू विल नॉट स्लिप। आप जैसे ही पैर रखेंगे मजबूती से, आप आराम से इसके अंदर, देयर इज़ नो चांस ऑफ स्लिपिंग। लेकिन ये जो जूते हैं बहुत हल्के भी हैं, और ये एक का जो वज़न है वो मुझे बताया गया 2.5 किलो है। सो आई हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फर्स्ट। अच्छा, सिर्फ जूते ही नहीं, इसको पूरा बांधना पड़ेगा। खैर, मैं ये बांधूँ उससे पहले जूतों के बारे में और बता दूँ मैं। ये यहाँ से फौज इसे इस्तेमाल करती है, स्कार्पा। हाँ, क्योंकि देखिए, जब आप ड्रिल कर रहे होते हैं और जब आप वहाँ ऊपर होते हैं, आपको बर्फ़ को तोड़ना होता है और आगे चलना होता है, इसीलिए फौलादी स्कार्पा आपको चाहिए होता है। ऑलराइट, इसके अलावा एक विशेष किस्म की ड्रेस आपको दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि वो ड्रेस आपको यहाँ दिखा सकूँ। जैसे यहाँ एक इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जब आप फॉरवर्ड पोस्ट पर होते हैं तैनात, तो आपको ऐसी एक ड्रेस दी जाती है। ये सेकंड लेयर है। पहली लेयर क्या है, इस वक्त जो मैंने पहनी हुई है, मैंने तीन लेयर्स पहनी हुई है। मैं बता दूँ, ये तो मेरे मोज़े हैं जो यहाँ तक हैं, उसके नीचे एक वार्मर है, उसके नीचे एक और लेयर है, और उसके बाद ये पैंट्स आपको नज़र आ रही है। पैंट भी देखिए विशेष किस्म से बनी हुई है, अंदर जो है गर्म रखने के लिए एक अलग से सिलाई है। फिर उसके बाद दिस जैकेट, ये जो जैकेट है ये -30 तक झेल सकता है। इसके अंदर भी एक अलग से स्कार्फ मैंने पहना है, उसके नीचे एक और लेयर है, फिर एक और वार्मर है, और फिर एक और वार्मर है। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अलग तरीके के ग्लव्स भी दिए जाते हैं, और वो ग्लव्स ये रहे, ये फौज के ग्लव्स हैं, ये हमारे ग्लव्स हैं। इस ग्लव्स के ऊपर मुझे ये ग्लव्स पहनने होंगे, ये यहाँ आकर फेल है, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दिस इज़ व्हाट यू वांट, क्योंकि आपको पकड़ना होगा, चाहे वो फावड़ा हो, चाहे वो आइस को हिट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स वहाँ पर होते हैं, चाहे वो रोप हो, चाहे वो लैडर हो। इसीलिए इसकी ग्रिप आप देख रहे हैं, मेरी ग्रिप और इसकी ग्रिप में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। सो इसीलिए ये विशेष किस्म की पोशाक है जिसको हमें पहनना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। सो पहाड़ का नियम ये कहता है कि आपके सामने हर तरीके की परिस्थिति आएगी, लेकिन उस चुनौती को आपको कैसे निपटना है वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। और इसीलिए हमारे देश के जवानों की एक अलग तरीके की तैयारी होती है, और वो तैयारी आपको यहाँ अलग अलग इक्विपमेंट्स के रूप में देखने को मिलने वाली है। हमारे साथ बाकायदा एक ऑफिसर भी मौजूद है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप देश को बताएँ आप कौन हैं, और उसके बाद ये सब हम क्या देख रहे हैं बताएँ। जय हिंद। मेरा नाम हवलदार इंस्ट्रक्टर बलकार सिंह, मैं सेक्शन ग्रेनेडियर से ताल्लुकात रखता हूँ। यहाँ पे अलग अलग, जब भी एक जवान नीचे से यहाँ से तैयारी करके अपने पोस्ट के ऊपर जाता है, तो वो अलग अलग इक्विपमेंट अपने साथ लेके जाता है, ताकि वो रास्ते में आने वाली हर परिस्थिति के साथ निपट सके, उससे मुकाबला कर सके। तो जैसे कि हमारे साथ AVD एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है, इसका इस्तेमाल एक जवान अपने साथ इसी प्रकार से एंकर करता है, जिस प्रकार से मैंने किया हुआ है जी, इसके साथ एंकर करता है और अपने साथ लेके जाता है। जब वो एवलांच प्रोन एरिया को पार करता है, और अगर वो एवलांच की चपेट में आ जाता है, तो हम दूसरी AVD की मदद से उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं और जल्दी से उसको रिकवर कर सकते हैं। मैम, ये है एवलांच कॉर्ड, इसका ये टोटल 45 मीटर की होती है, इसके हर 3 मीटर के बाद एक एरो होता है। जब एक एवलांच प्रोन एरिया को पार करते हैं, तो वो अपनी कमर के ऊपर इस प्रकार से बांध लेता है, इस प्रकार से अपने साथ बांध लेता है और पीछे फेंक देता है। जब ये
अवलांच की चपेट में आता है तो ये हल्का पर्पल कलर छोड़ता है, रंग छोड़ता है, जिससे कि हम अवलांच में दबे हुए विक्टिम को आसानी से ढूंढ सकें। डालेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा। जी जी, जो भी जवान अपहिल से डाउनहिल के लिए जाता है या अपनी पोस्ट के ऊपर जाता है डाउनहिल से अपहिल के लिए जाता है तो इसको अपने इसी प्रकार से कैरी करता है। यदि वो अवलांच की चपेट में आ जाता है तो वो अपने मुँह में इस प्रकार से डालता है और ये कृत्रिम सांस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम आसानी से हमें सांस लेने के लिए आसानी होती है और हमें थोड़ा गैप मिल जाता है सांस लेने के लिए। ये मैम इसका एक्टिवेशन हैंडल है, इसको पुल करता है जिससे कि इसके दोनों साइड से बलून निकलते हैं और वो एक जवान को अपने अवलांच के ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है, जिससे कि वो आसानी से अवलांच के ऊपर तैर सकता है और वो अवलांच में नहीं दबता हो। और ये हर वक्त आपको अपने साथ कैरी करना पड़ता है। डीप सर्च रडार जावर 400 में इसका इस्तेमाल भी हम अवलांच में दबे हुए विक्टिम को ढूंढने के लिए करते हैं, जब ये 4 मीटर से लेकर 20 मीटर तक ढूंढने में हमारी गहराई में मदद करता है। बर्फ काटने के काम आती है, इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास हार्ड आइस कहीं मिल जाती है या बीच में दबे हुए जवान को हम आसानी से विक्टिम को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये सब एट अ टाइम लेकर चलना ही होता है कि जी, मतलब अगर मान लीजिए एक बटालियन है तो उसमें कुछ किसी को दिया जाएगा, कुछ किसी को दिया जाएगा। जी जी, और ये सब पूरा का पूरा लेकर साथ में चलते हैं। और अब आपको एवलांच पैंथर टीम से हम मिलवाने जा रहे हैं जो रेस्क्यू के लिए मशहूर हैं, इतने शानदार तरीके से ट्रेन्ड हैं ये सारे के सारे योद्धा जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये बकायदा एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे कि ये ट्रेन करते कैसे हैं। हमारे साथ कमांडर पालदप यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस पैंथर टीम के इस वक्त लीडर हैं और ये बताने वाले हैं कि ये क्यों इस वक्त इम्पॉर्टेंट है हमारे जाबाजों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो वहाँ पर मौजूद हैं, तैनात हैं चौकियों पर। कमांडर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर आपके। 12 लोगों की टीम इस वक्त हमें नज़र आ रही है। हाँ जी मैम, जी मैम, हम यहाँ पे इसलिए तैनात किए गए हैं कि विंटर के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे सोनो गिरते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एवलांच आने का बहुत खतरा रहते हैं। इसलिए हमारे को स्पेशली लद्दाख स्कोट के बंदों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है जो कि यहाँ की जगह से काफ़ी वाकिफ होते हैं। और आप सभी के सभी लद्दाख स्काउट से हैं? जी, हम यहाँ पे एक JCO नवर यानी लद्दाख स्कोट के हैं, बाकी यहाँ पे एक सिग्नल मैन और एक डॉग विथ डॉग मास्टर और एक NA जो कि हमारे साथ में यहाँ पे तैनात रहते हैं। जी मैम, और मुझे इस वक्त एक और खास यहाँ पर प्राणी नजर आ रहे हैं, ये हमेशा आपके साथ होते हैं? The dog is always with you? हाँ जी, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोजो। हाय मोजो, कैसे मोजो आप? सलाम करते, नमस्ते। जी जी हाँ, ये सब कुछ समझते हैं मैम। ये एक रेस्क्यू डॉग है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो 20 बंदे जो 2 घंटे में काम करते हैं वो 30 मिनट में पूरा करके दे देते हैं। ये 30 मिनट में 2 घंटे का काम? जी, 20 बंदे जो 2 घंटे में काम करते हैं ये डॉग 30 मिनट में पूरा कंप्लीट करके देते हैं। ये देखिए, ये काबिलियत है इन पैंथर्स की, तो जरा हमें बताएंगे एक ड्रिल के जरिए कि किस तरीके से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। हम तैयार हैं, आप भी हो जाइए तैयार। चलिए सर। तो मोजो जो है वो इलाका आप देख रहे हैं वहाँ पर जो रेड फ्लैग लगा हुआ है, वहाँ एवलांच आया हुआ है। अब वहाँ पर ये मोजो जाएंगे, रेस्क्यू डॉग जाएंगे और जो हमारा सैनिक दबा हुआ है उसे वहाँ से बाहर निकाल कर लाएंगे। देखते हैं कैसे। तो अब मैं आपको ये बता दूं, ये लैडर लॉन्चिंग इस वक्त आप देखने वाले हैं। क्रेवास जो होते हैं यानी वो खाई जो अक्सर 2 पहाड़ों के बीच में कभी भी किसी भी वक्त पैदा हो जाती है, क्योंकि बर्फ कब कहाँ किस क्रेवियास को ढाक दे ये पता नहीं पड़ता है।
कभी कभी क्रेवियास बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी बहुत गहरे होते हैं, और ऐसे में आपको अब जाना है उस पहाड़ी की तरफ, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए इन सैनिकों को, इन जांबाजों को ये लैडर, ये सीढ़ियाँ दी जाती है, और ये इसी तरीके से क्रॉस कर पाते हैं। जो मैंने अब तक कहा वो सही था? हाँ, अब क्या किया जाएगा बताइए? लैडर को रिलीज किया जाएगा, मतलब बेसिकली आपने क्रेवियास ढूंढ निकाला एक, और अब आपको उस पार जाना है। ठीक है, तो अब लैडर लॉन्चिंग कैसे करेंगे पहले? हाँ दिखाइए। एक दो तीन और, एक दो तीन और, एक दो तीन और। एक दो तीन अप, एक दो तीन अप, एक दो तीन अप, एक दो तीन अप, एक दो तीन अप। अगर आप क्रेवियास में फंस गए हैं तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। जब जवान करता है तब ये बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ से आपकी मसल्स जवाब देने लगती है। आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है। यकीन मानिए ये जवान करते हैं तो आसान लगता है, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको लगता है इससे आगे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। एक दो तीन अप, 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 और आपने फतह हासिल कर ली। लेकिन अभी भी आप पूरी तरीके से उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां आप खुद को सेफ कह सकें। सो क्या ये मिशन सक्सेसफुल था? ऑलराइट, जय हिंद। तो ये तैयारी है मेरी इस आइस वॉल को क्लाइम करने की। ये जो है आप देख रहे हैं अराउंड 90 डिग्री हो गए इंस्ट्रक्टर साहब जी मैम की वॉल है। ऐसी कई वॉल्स वहाँ पर मिलेगी जिसमें बर्फ एकदम हार्ड रॉक होती है, और आपको इसके ऊपर से राह बनानी होती है, और उसके लिए पूरी तैयारी करनी ज़रूरी है, और वही तैयारी मैं करती हूँ इस वक्त। आपको दिखा हार्नेश बांधा जा रहा है मुझे, ताकि रोप जो है उससे मेरे शरीर को ठीक से कसा जा सके। अब करना क्या है, कैसे करना है, ये मेरे सैनिक दोस्त ही मुझे बताने वाले हैं। ये आइस एक्स मुझे दिया जा रहा है। ओके हाँ जी, जोर से मारना है, और जोर से जा तो कहीं और रही है। मुझे कुछ दिखे तो सही। फिर करूं बस, I'm done।
मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी ताकत लगा दी सिर्फ इस एक चौथाई हिस्से को चढ़ने के लिए। ये वॉर मेमोरियल है और देखिए कितना खूबसूरती से, कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑल वॉरियर्स गो टू हेवन, जितने भी योद्धा हैं वो जन्नत ही की तरफ जाते हैं। और वो लैडर जिसका आज हमारे ये हिम योद्धा इस्तेमाल करते हैं क्रेवियास को पाटने के लिए, उन खाइयों को, बर्फीली खाइयों को पाटने के लिए उसी लैडर का इस्तेमाल किया गया है। और शान से ऊपर हमारा तिरंगा आपको नज़र आ रहा है जिसमें आप देखिए एक बच्ची है, एक बच्चा है, एक माँ है, और जिसे होना चाहिए वो नहीं है। और वो कौन है? वो एक सैनिक है, वो एक सैनिक है जो वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। 1971-72 के बाद एक शिमला समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ। उस समझौते में सियाचिन के सिर्फ एक ही लोकेशन का जिक्र था, वो था NJ 4892 का जिक्र था। उसके अलावा सियाचिन के किसी भी हिस्से की का जिक्र नहीं था, क्योंकि ये बयाबान जगह थी, यहाँ पर ना जानवर, ना इंसान, ना पेड़, ना पौधे, तो किसी को नहीं लगा था कि यहाँ के बारे में कुछ चीज़ मेंशन करनी चाहिए। उसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, और हिंदुस्तान को ये पता चला कि पाकिस्तान कुछ माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोहियों के बहाने अपने सैनिकों को उन चोटियों पर भेज रहा है ये पता लगाने के लिए कि क्या इन चोटियों पर कब्जा किया जा सकता है या नहीं। ये शक और पुख्ता हो गया जब रशिया से हिंदुस्तान की सरकार को ये जानकारी मिली कि आर्कटिक में पहने जाने वाले कपड़ों के तादाद में पाकिस्तान ने ऑर्डर दिए हैं। अब पाकिस्तान ठंड में पहने जाने वाले कपड़ों का ऑर्डर क्यों देगा? मंशा साफ थी। और फौरन 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया। ये दुनिया के सबसे लंबे चले बैटल्स में से एक, 2002 में जाकर हमने फतह हासिल की। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक हिस्सा है। पाकिस्तान के पास जो है नीचाई वाला इलाका है, हिंदुस्तान के पास खड़ी चढ़ाई वाला इलाका है। हिंदुस्तानी सैनिकों के पास यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाली यूनिफॉर्म और साजो सामान आपको पता है कब मिला था? 12 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को हमारे सैनिकों ने बगैर किसी प्रैक्टिस के चढ़ाई शुरू कर दी। और आपको फख्र होगा ये जानकर कि हमने फतह हासिल की, हमारे 1000 सैनिक शहीद हुए, और उन्हीं शहीदों के याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और ये देखिए रसद और सामान ले जाता हुआ आपको इस वक्त एक हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है। ये यहाँ की लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर ऊपर के सैनिकों से आपको किसी भी तरह का संपर्क साधना है, उन तक कोई चीज़ पहुँचानी है, या फिर वहाँ पर कोई सैनिक जख्मी या बीमार हो जाए उसे एयरलिफ्ट करना है, तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। MI-8 है, MI-18 है, और चीता है जिसका इस्तेमाल होता है। देखिए अब तक आपने देखा उन सैनिकों को जो तैयार हो रहे हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होने के लिए, लेकिन अब ABP न्यूज़ के दर्शकों के लिए उन तमाम सैनिकों को भी आपके सामने लाना चाहते हैं जो उन पोस्ट पर 3 से 4 और लगभग 5 महीने बिता कर आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ पर। शुरुआत गोरख जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनाती होती है वो कितने घंटे की? तैनाती अलग अलग होते हैं, 2-3 घंटे में बदली करना पड़ता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है जिससे जवान ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं हो पाता। 2-3 घंटे हम चेंजमेंट करते रहते हैं आपस में। कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस?
वहाँ अच्छा रहा। हम यहाँ बेस कैंप छोड़ के जाएगा, हम 12 बंदा एक साथ गया था, वो तीन ट्रूप बना गया था, और हम इनका अब जो ऊपर जो किया हुआ है जैसे रॉप क्लाइंबिंग करके चार चार बंदा का एक रॉप में बांध के ऐसे गया था। कोई उधर जाने वाले रास्ता में वही अवलांच वगैरह होने से बाई चांस कुछ किसी को फंस गया तो उसमें बचने के लिए एक बंदा। देश के सैनिक के साथ सिविल पॉपुलेशन हमेशा खड़ा रहे और देश के अगले साल और तरक्की करे। जय हिंद। जैसा सुना आपने, एक जवान कह रहे थे कि आप मस्ती से अपना जीवन बिताइए, हम आपके आगे हैं हर इस मुश्किल को सहन करने के लिए, लेकिन आप हमारे पीछे रहिए, उस सपोर्ट को हमेशा बनाए रखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस देश के नागरिक होने के नाते वो सपोर्ट हमारे सैनिकों के साथ हमेशा बदस्तूर जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ रूबिका लियाकत, सियाचिन, एबीपी न्यूज़।